नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी हट करके है, लेकिन है एकदम सच्ची। एक ऐसी कहानी जिसने किसी की जिंदगी में खौफ और डर का मंजर भर दिया था। ये कहानी अनिकेत की है, और आज ये कहानी मैं आपको उसी के जैसे सुनाने जा रहा हूं, जैसा उसने मुझे बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है और मैं पवामपुर का रहने वाला हूं। मैं एक चाय पत्ती बेचने वाली एजेंसी के लिए सेल्स एजेंट के तौर पर काम करता था। पूरे दिन में मुझे 30 से 50 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था, कभी कभी 100 से 200 किलोमीटर भी ट्रेवल करना ही पड़ता था, और अलग अलग लोगों से मिल करके अपने प्रोडक्ट के ऑर्डर लेने होते थे। और काम यही नहीं खत्म होता था, इसके बाद से उस माल को उन तक पहुंचाना होता था। कभी कभी एजेंसी का जो मालिक था वो मुझे बाइक दे देता, और कभी कभी रिक्शे का भाड़ा दे देता था। ये कहानी 3 महीने पहले की है, जब 3 महीने पहले एक ऐसे भयानक भूत से मेरा सामना हुआ कि तब से मैंने खौफ और डर के ऐसे मंजर देखे कि तब से मैं बिस्तर पर ही पड़ा हुआ हूं। सब कुछ खत्म हो चुका है। हुआ यह था कि रोज की तरह सुबह सुबह मैं पेन, कैलकुलेटर और अपने ग्राहकों की लिस्ट लेकर के बस स्टैंड पर एक ऑटो रिक्शे का इंतजार करने लगा। कहते हैं कभी कभी किस्मत खराब होती है तो जल्दी कोई ऑटो और रिक्शा मिलता नहीं। शायद मेरे साथ भी उस दिन ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। लेकिन तभी एक पुराना ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर के रुक जाता है। मैंने देखा उसके अंदर एक काले कपड़ों में लंबे लंबे बालों वाला एक काला सा अधेड़ उम्र का इंसान बैठा हुआ था। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। मैं 2 मिनट तक उसे देखता ही रहा। वास्तव में कुछ इंसान ऐसे नजर आ जाते हैं जिन्हें हम देखते ही रह जाते हैं। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अरे कहाँ जाना है। मेरा ध्यान टूटा और मैंने उससे कहा कि 4-5 घंटे का काम है, 10-15 जगह जाऊंगा और वहां रुकना भी होगा। इस पर वह बोला, ठीक है, बैठ जाइए। मैंने उससे किराया तय किया। बहुत झिकझिक करने के बाद, बहुत बातचीत करने के बाद किराया तय हुआ। लेकिन वो ऐसा इंसान था कि मैं जो बोल रहा था वो उसी पर राजी हो जा रहा था। खैर, मैं बैठ तो गया पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे मुझे कोई रोक रहा हो कि मैं उस रिक्शे पर ना बैठूं या मैं उसके साथ न जाऊं। कभी कभी आदमी की अंतरात्मा कुछ चीजों से उसे रोकती है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो हमारी अपनी अंतरात्मा हमें एक बार रोकती जरूर है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और टेप बजाने लगा। वह कुछ तंत्र मंत्र वाले श्लोक को बजा रहा था, और रास्तों में आने वाले मंदिरों से दूर दूर से ऑटो रिक्शा निकालने लगा था। और जब भी उसे कोई मंदिर या मस्जिद नजर आ जाती तो वो गुस्से से चिल्ला देता था, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ हो रही हो या उसे ये सब चीजें अच्छी ना लग रही हों। ये सब देखकर मुझे पक्का यकीन होने लगा कि यह ऑटो वाला आदमी कुछ गड़बड़ तो जरूर है, या तो यह पागल है और या तो कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। शायद ये प्रेत बाधित हो चुका है, ऐसा मेरे अंदर
ख्याल आने लगा। मैंने भी फौरन उसे उस रिक्शे को रोकने को कहा, क्योंकि अब मुझे उससे डर लग रहा था, क्योंकि उसकी हरकतें एकदम से अजीब होती जा रही थी। पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता था और मंदिर मस्जिद को देख करके चिल्लाने लगता था। ऐसा अजीब इंसान मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इस पर उसने मुझसे कहा कि भैया ब्रेक काम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठे रहो, और वह रिक्शा तेजी से चलाने लगा। मैं चलते रिक्शे में चिल्लाने लगा। वह इंसान पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और फिर वह पूरी तरह से अपना सर 180 डिग्री घुमाकर मुझे घूरने लगा। ऐसा नजारा अगर किसी को दिख जाए तो शायद बैठे बैठे ही इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि उसका सर पूरी तरीके से पीछे घूम गया था और वह मुझे घूर रहा था और बोला कि चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर के चला जाऊंगा। यह सुनकर मैं एकदम से सन्न रह गया। मेरी जवान हलक से नीचे उतर गई। अब मैं उस आदमी के हवाले हो चुका था, क्योंकि इक्का दुक्का लोग जो सड़क पर दिख भी जा रहे थे, शायद उनको मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी, जैसे कोई हमें देख ही ना पा रहा हो। मेरी तो हालत हर सेकंड में खराब होती जा रही थी। वह मुझे घंटों तक सुनसान रास्तों पर उस रिक्शे में घुमाता रहा और अचानक अपने ऑटो रिक्शा को रोककर मेरी ओर घूमा और बोला कि तुम जैसे अच्छे खून वाले इंसान का मैं क्या करूं, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, चल उतर जा, भाग जा मेरे ऑटो रिक्शा से, वरना मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगा, तेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। मैं उस रिक्शे से भाग जाना चाहता था, पर जैसे मेरे पैर जम गए हों और मेरी सांसें भी थम गई हों, जैसे किसी इंसान को लकवा मार जाता है, उस स्थिति में मैं भी पहुंच चुका था। वहीं पर मैं लाचार डर के बैठा रहा और उसकी बात केवल सुने जा रहा था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि ना मैं बोल पा रहा था और ना ही कोई प्रतिक्रिया कर पा रहा था। उसने फिर गुस्से से चिल्लाते हुए अंगूठियों से भरा हुआ पंजा मेरे सर पर दे मारा और मैं किसी गेंद की तरह उछल करके सड़क पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं उसी ऑटो रिक्शा के पास फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बज चुके थे और बस स्टैंड पर खड़े लोग नफरत और धिक्कार भरी नजर से मेरी ओर देखे जा रहे थे, जैसे मैं कोई शराबी हूं और दारू पी करके रोड पर गिर गया हूं। मुझ में उठने तक की शक्ति नहीं थी। मैंने लेटे लेटे ही अपने दोस्त को फोन किया और उसे मदद के लिए बुलाया। जब वह आया तो वह मुझे वहां से उठाकर मेरे घर तक ले गया। उसके बाद से मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2-3 महीने तक मेरी दवा चलती रही। उसके बाद मैं धीरे धीरे जा करके थोड़ा ठीक हुआ। आज भी मैं डर के साये में हूं और एक ही डर सताता रहता है कि कहीं फिर से उस ऑटो रिक्शा वाले भूत से मेरा सामना ना हो जाए, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में था तो उस बीच में वो मुझसे 3-4 बार मिलने आया था और मैंने कई लोगों को बताने की कोशिश की कि वह मुझसे मिलने आया है, लेकिन शायद वो मेरे अलावा किसी को दिखता नहीं था, इसलिए मेरी बात पर किसी ने यकीन भी नहीं किया। मैं चिल्लाता रहा, बोलता रहा, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। इसलिए मुझे आज भी यही डर है कि अगर वो दोबारा मिला तो क्या होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बार बार ये भी कहता था कि मैं तुम्हें एक दिन ले जरूर जाऊंगा साथ में, शायद मुझसे कोई गलती हुई थी जिसका परिणाम मैं भुगत रहा था। और अब मैं यही पता करने में लगा हुआ हूं कि आखिरकार मुझसे गलती क्या हुई थी जिसके कारण मुझे अब ये झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हंटेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, थैंक यू।